कोविड 19 के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे 217 कोचों में आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। एक कोच में 10 बेड तैयार करने के साथ खाने पीने और डॉक्टरों की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने यांत्रिक कारखाने में खाली बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया है। कुल 217 कोच को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। एक कोच में 10 बेड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ललित नारायण मिश्र रेलवे केंद्रीय अस्पताल में 200 बेड का क्वारंटाइन वार्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड बनाने के अलावा रेलवे पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण भी बना रहा है। गोरखपुर व इज्जतनगर स्थित यांत्रिक कारखाने प्रतिदिन 40 PPE किट और 400 मास्क तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया। पूर्वोत्तर रेलवे को कुल 217 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का लक्ष्य मिला था, जिसे समय से पूर्ण कर लिया गया था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन कोचों को रखने के संबंधी गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार फर्दर रेलवे बोर्ड गाइडलाइन जारी करेगा और जो भी डिमांड होगी जिला प्रशासन की या स्टेट की, उसके अनुसार निर्धारित जो स्टेशन किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, वहाँ पे इन कोचों को रखवाने का अरेंजमेंट किया जाएगा। एक कोच में कितने बेड बनाएंगे? एक कोच में कुल 9 वार्ड हैं। अब उसको कैसे यूज करना है, कितने वार्ड में कितने पेशेंट रखना है, ये सारी जानकारी जो भी कंसर्न जहाँ भी रखे जाएंगे कोचेज, वहाँ नोडल ऑफिसर्स उसमें बनाए गए हैं, वो कैसे रखेंगे उसका सारा डिटेल वो लोग फाइनल करेंगे। रेलवे हॉस्पिटल में 200 बेड की व्यवस्था कोविड पेशेंट्स के लिए की गई है, जिसे राज्य सरकार द्वारा लेवल 1 के तौर पर इसको रखा गया है कि अगर असिम्प्टोमेटिक टाइप के पेशेंट्स आते हैं तो इनको यहाँ पे रखा जाएगा। मास्क और कुछ हाँ, हमारे यहाँ जो मार्केट में क्राइसिस है उसको देखते हुए PPE और मास्क का लगातार इन हाउस प्रोडक्शन किया जा रहा है। जो हमारे वर्कशॉप हैं उनमें इज्जत नगर वर्कशॉप और गोरखपुर यांत्रिक कारखाना, इन दोनों में मिलाकर लगभग 6,000 PPE किट अब तक तैयार किए गए हैं। मास्क भी लगभग 90,000 से 1,00,000 के आसपास मास्क भी बनाया गया है।